नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आए हम आपके अपने चैनल पर। जी हाँ साथियों, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ही बहुत ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, हम आपको बता देंगे चुनाव से पहले एमपी पर चढ़ा एक और बड़ा कर्ज। जी हाँ साथियों, इसके आंकड़े जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक कितना कर्ज ले लिया है। हाँ साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश शिवराज सरकार आर्थिक संकट से गुजरती हुई नजर आने लगी है। यहाँ आपको बता, प्रदेश का खजाना भी खाली है, लेकिन सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही है। जी हाँ साथियों, कर्ज लेने का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। वहीं आपको बता दें, सरकार ने आज फिर 500 करोड़ का कर्ज ले लिया। जी हाँ साथियों, इसी के साथ प्रदेश के साथ करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। जी हाँ साथियों, वही राज्य के हर नागरिक के ऊपर 4000 रुपये का कर्ज हो 40000 रुपये का कर्ज हो चुका है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने RBI से फिर से 500 करोड़ रुपए का एक बार फिर से कर्ज ले लिया। जी हाँ साथियों, 12 साल के टर्मों में चुकाना होगा। इस संबंध में आज ऑक्शन हुई होगा कि कल खाते में लोन रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जी हाँ साथियों, इस पैसे को सरकार 22 सितंबर 2035 तक चुकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ साथियों, क्या मध्यप्रदेश में इस बार फिर से BJP की सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो में।